सब्सक्राइब कीजिए टेकीरा फॉर यू को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फिर से दोबारा अलग अलग तरह की टेक न्यूज, रूमर्स और लीक्स वगैरह। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बिल्कुल दबाना बिल्कुल भूलिएगा। इसके साथ बेल आइकन को जरूर याद से प्रेस कर दीजिएगा। मैं उसी मीडिया रहा, आप सभी का स्वागत है टेकीरा फॉर यू की हिंदी टेक न्यूज में। यहाँ पे जो पहली जो अपडेट निकल के आ रही है वो है नोकिया के अपकमिंग स्मार्टफोन को लेके। ऐसे कुछ लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि नोकिया 6.1 के बाद नोकिया अपना 6.2 लॉन्च कर सकता है Q2 2019 के अंदर। इसी के साथ ऐसे भी कुछ रूमर्स और रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि ये स्मार्टफोन एकदम नोकिया 6.1 की ही प्राइस पे लॉन्च हो जाएगा। काफी अच्छा रहेगा अगर सेम प्राइस पे लॉन्च हो जाता है अपग्रेडेड मॉडल। तो इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वह है एंड्रॉइड क्यू बीटा को लेकर निकल के आ रही है, क्योंकि ऐसे कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि अभी इस साल के अंदर हो सकता है ये जो एंड्रॉइड क्यू बीटा जो है, बीटा लेवल का जो एंड्रॉइड ओएस है, उसका सपोर्ट आपको और भी ज्यादा स्मार्टफोन में देखने को मिल जाए। हो सकता है गूगल इससे अपनी रीच और भी बढ़ा ले, जो उसका जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी वो रोल आउट करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली पहले खुद के ही फोन्स में पिक्सल फोन्स वगैरह में रोल आउट करते हैं। इसी के साथ फ्लैगशिप फोन्स में आपको देखने को मिल जाता है लेटेस्ट ओएस बीटा वर्जन के रूप में। तो हो सकता है इससे उनकी रीच भी बढ़ जाए और जो बग वग है वो थोड़े क्लियर वगैरह हो जाए अगर कुछ ऐसा होता है तो। और आप बताइएगा अगर आपके फोन में आता है तो ये अपडेट, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भूलिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कुछ लीक्स निकल के आ रही है, वीवो X27 प्रो करके एक स्मार्टफोन हो सकता है वीवो की तरफ से लॉन्च, जिसमें कि आपको पॉप अप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हो सकता है इसमें आपको जो इसका जो डिस्प्ले 6.7 इंच के लगभग का आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जो कि काफी बड़ा डिस्प्ले होता है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो भी लीक्स और रूमर्स निकल के आ रही है वीवो के ही अपकमिंग फोन को लेके, जो कि हो सकता है वीवो का S1। इसमें भी आपको पॉप अप सेल्फी कैमरा तो मिल सकता है को, मगर इसके साथ हो सकता है इसमें आपको Qualcomm Snapdragon के प्रोसेसर की जगह Helio का P70 प्रोसेसर देखने को मिल जाए। ऐसा कुछ लीक्स में निकल के आ रहा है, अभी तक तो कुछ ऑफिशियल नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इंडिया के अंदर Huawei अपनी नई वॉच GT करके एक स्मार्ट वॉच लॉन्च कर सकता है, जिसके अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो हो सकता है इसमें आपको 14 दिन की बैटरी बैकअप देखने को मिल जाए, जो भी आप यूज करते हैं, जो भी बेसिकली जो भी बैकअप वगैरह बैटरी लाइफ वगैरह हो सकता है इसमें आपको 14 दिन तक की देखने को मिल जाए। इसी की तरह की कुछ लीक्स और रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हो सकता है ओप्पो अपना एक नया स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च कर दे रेनो के नाम से, क्योंकि ये ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में निकल के आ रही है कि ओप्पो का कोई सा लॉन्च इवेंट है 10 अप्रैल को। हो सकता है ये अपना नया फोन की सीरीज वगैरह चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कर दे रेनो के नाम से। तो दोस्तों, कुछ यही थी आज की टेक न्यूज़ रूमर्स और लीक्स वगैरह कुछ फोन्स को लेके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिलेगा। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ठीक इस वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं उसे मीटर आपसे जल्दी मिलूंगा इसी तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक अगले वीडियो में। टेक केयर फॉर यू से धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।